सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने जो ये जनता की समस्या थी इस ओर आपने ध्यान दिया। तो इसके बारे में यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हिमाचल परिवहन मंत्री से और जो भी ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट है या बिलासपुर के आरएम है, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो लंबे रूट की बसें हैं, जैसे कोई मनाली मंडी या मतलब या हमारी मतलब हमीरपुर से या धर्मशाला से कोई भी जाती है, वो तो फोर लेन से जाए, कोई बात नहीं मतलब, क्योंकि वो लंबे रूट की बसें हैं। और जो मैं जो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोकल है, क्योंकि लोकल में इससे फोर लेन के बाद लोकल जो रूट है हमारा, जैसा कि नौनी हो गया, नौनी के आगे कोठीपुरा हो गया, शिरोल हो गया, शिरोल से आगे गंबर, गंबर से आगे बनेड़, स्वारगढ़ और कैंची मोड़, क्योंकि जो भी इस रोड पर मेन बसें हैं जो बहुत ही कम कर दी गई है, हो सकता है ये कागजों में कितनी चलती हो, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो अगर मैंने एक दिन हकीकत में देखा, क्योंकि पूरा दिन में दो या से लेकर तीन ही बसें मैंने मेरे को मिली, और उससे मैंने जगह जगह यही देखा, क्योंकि हर जगह और सवारी एक एक चार चार घंटे मतलब अपने दो दो तीन तीन चार चार घंटे क्या पूरा पूरा दिन इंतज़ार करती रहती है, पर मैंने जो बसें हैं HRTC की में नहीं आती है, क्योंकि आम लोगों की ये बहुत ही बड़ी शिकायत है। तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी कहना चाहता हूँ और जो हमारे RM है बिलासपुर से, इनको भी मैं यही निवेदन करता हूँ, क्योंकि जो भी मतलब लोकल रूट है इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर जनता की मतलब सुख सुविधा के लिए मतलब रूट चलाए जाए।